नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सोमवार देर शाम पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बदमाश की तस्वीर भी सामने आई। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के पॉश इलाके इंदिरापुरम की 5/6 वैशाली पुलिस के पास हिडन नहर की पटरी पर यह एनकाउंटर हुआ। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कमल उर्फ कल्लू निवासी शामली को चोरी की बाइक और लूटी हुई चैन के साथ गिरफ्तार किया था। इसी बीच पुलिस टीम आज उसको बाकी के सामान और उसके साथी की बरामदगी के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान आरोपी ने टॉयलेट के लिए कहा और पुलिस ने जब उसे गाड़ी से नीचे उतारा तो बदमाश ने सिपाही की सरकारी पिस्टल छीन ली और पुलिस पर हमला कर दिया। इसके बाद जवाबी फायर में पुलिस की गोली बदमाश कमल के पैर में जा रही। इसके साथ ही घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि पुलिस की गिरफ्त में आया बदमाश कमल राजधानी दिल्ली एवं यूपी के पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस को अब उसके बाकी सहयोगियों की भी तलाश है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।